बोले अरे माँ का राज ना बाप की चौधरी। हेलो। अरे प्यारी रहना भाई का। बहुत अच्छे। अरे हो गए मर्द गुलाम पीर के कर में राज भाई का। अच्छी भुंडी छोरे बकते मार गए पारी का। थाली हतार बहन चली जा हाँ? सूट से मते साड़ी का। परे चोमा से नंगा हंडना कुर्ता से बहाली का। कुर्ता से बहाली का। सास ससुर भी इसे ढिसर जा हाँ? सास ससुर भी इसे ढिसर जा। रखा छोरे की बहु भूल भी सके हे चरणाशील धरे कोन्या। और चरणाशील धरे कोन्या। घर का मंदिर छोड़ के पूजे घर का मंदिर छोड़ के पूजे रे बंदर देवी माई का। हो गए मर्द गुलाम पीर के घर में राज लुकाई का। हो गए मर्द गुलाम पीर के घर में राज लुकाई का। क्या कह रहे नेत्रपाल भाई? बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत। नाम बता दो। गजेंद्र भाई। और सजना, समय में इतना परिवर्तन आ गया कि देखिए, एक तो वो रामायण काल को यदि याद करें तो श्री रामचंद्र भगवान को अकेले को वनवास के लिए भेजना था, पर लक्ष्मण ने कहा नहीं भ्राता श्री, अगर वन गमन होगा, अगर वनवास को जाना है तो मैं अपने प्यारे अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र को अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। और दूसरी तरफ जब लक्ष्मण को लेकर के मां जानकी को लेकर के श्री राम वनों में चले गए और ननिहाल से वापस आकर के भरत को जब पता चला कि श्री रामचंद्र बड़े भैया को वनवास दे दिया गया है, पंचवटी पर हाथ जो जोड़कर खड़े हो गए कि भ्राता श्री, राज मैं नहीं करूंगा और ना ही मेरा राज तिलक होगा, आप बड़े भाई हैं, राज तिलक आप ही का होना है। श्री राम भगवान ने मना कर दिया
तो भरत ने कह दिया कि अपनी जूती दे दो, अपने चप्पल दे दो, अपने खड़ाऊ दे दो। और 14 वर्ष तक श्री राम भगवान की जूतियों ने, उन खड़ाऊओं ने राज किया। सजना एक तरफ तो देखो भाई किसके लिए कितना कर सकता है, और दूसरी तरफ आजकल के भाई हैं, अगर एक भाई ने 100 रुपए फालतू ले लिए तो यूं कह या तो दे दे, नहीं तुझे अभी बताऊं। समय बदल गया साथियों। किस तरह से नंबर 3 में क्या लिखा, ए भाई का बैरी भाई हो गया नाड़ काट ले सूते की, बहु जेठ ने कहती फाड़ू मोसूते की, माँ बाप की कदर इसी कदर गली के कुत्ते की, इन वीरों के मर्द फिर भी नोक चाट ले जूते की, नोक चाट ले जूते की, सोमे सरने बांध जोड़ ले, सोमे सरने बांध जोड़ ले, ओड़ा तान आई का हो गए मर्द गुलाम पीर के, धर्म राज लुकाई का हो गए मर्द गुलाम पीर के, धर्म राज लुकाई का। हमारे सोनोटेक वाले भाई है ना, ये रोजाना देखते हैं दिल्ली में, ऐसे लंबे लंबे बाल बढ़ा दिए लड़कों ने, कानों में कुंडल पहन लिए लड़कों ने, नाक भी बिंदवा ली लड़कों ने, और रबड़ का बैंड पहन ले हाथों में चूड़ी टाइप की। हाँ। बस इतनी कसर छोड़ रखी है उन लड़कों ने, अगर थोड़ा सा सिंदूर लेके मांग भर ले तो किसी रंडुए का घर बस जा। ओए होए। मतलब फैशन परस्त इतने हो गए, कई काम और भूल गए ये क्या भाई साहब, ये हमारे हारमोनियम मास्टर जी हैं, अब तो इन्होंने बाल छोटे करवा लिए हैं, लेकिन जो नक्शा आप बता रहे थे कुछ दिन पहले इनका भी यही मामला था। नहीं नहीं इनकी नहीं मानूंगा मैं। क्या बात तगरू जी, आज काल के छोरे बहु बने ठने हाटे से, घर में रमू से कला करे साहब बने हाटे से, सुल्फा गंजार दारू पी के कई जने हाटे से, सरदार सिंह तू के गावे अब कभी गने हाटे से, कभी गने हाटे से, लक्ष्मी चंद बने हांडे रे, लक्ष्मी चंद बने हांडे रे, बेड़ा न कविताई का हो गए मर्द गुलाम पीर के, धर्म राज लुकाई का हो गए मर्द गुलाम पीर के, धर्म राज लुकाई का, फिर माँ का राज न बाप की चौधर हे प्यार रहा न पाई का हो गए मर्द गुलाम पीर, सोनोटेक कैसेट।